हाय गाइस, वेलकम टू मोटरबेन। मोटरबेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, हमारे पीछे आप देख रहे हो किया सोनेट है। हमने दो दिन पहले आप लोगों से एक वर्डिक्ट मांगा था, आप लोग किया सोनेट का रिव्यू और देखना चाहते हो क्या नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसका रिस्पॉन्स किया था कि किया सोनेट का और भी रिव्यू आप देखना चाहते हो, और वो भी कंपैरिजन में। तो हमारे पास तीन गाड़ी है, दैट इज द किया सोनेट, और सोनेट का तीनों ही किया सोनेट है, लेकिन सोनेट के अंदर ये जो वेरियंट है दैट इज HTK प्लस वेरियंट। जी हाँ, HTK प्लस वेरियंट, लेकिन इसके अंदर जो इंजन है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आता है, और इसका जो ट्रांसमिशन सिस्टम आपको मिलेगा ये 6 स्पीड IMT के साथ आएगा। और इस गाड़ी का अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइसिंग आपको 10,49,000 एक शोरूम मिलने वाला है। और मेरे पीछे यहां पे व्हाइट कलर की जो गाड़ी दिख रहा है, दिखने में ही आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां पे DRL को जिस तरह ग्लो कर रहा है। और गाड़ी का जो वेरिएंट है दैट इज द HTX वेरिएंट, ओनली HTX वेरिएंट, और इसके साथ आपको 7 स्पीड DCT ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ, हमारे पास फिलहाल अभी आप ये 7 स्पीड DCT देख रहे हो, ये HTX वेरिएंट था, और इसका जो प्राइसिंग है दैट इज द 12,30,000 एक शोरूम। इसके साथ आपको 6 स्पीड IMT का ऑप्शन भी आता है। IMT ले तो 80,000 रुपीस आपको चीपर पड़ेगा एज कम्पेयर टू 7 स्पीड DCT, तब बन जाएगा 11,49,000 एक शोरूम। और राइट साइड पे ये जो गाड़ी देख रहे हो ब्लैक कलर के साथ, ग्लॉस ब्लैक में आ रहा है, इसका वेरिएंट का नाम है HTK प्लस वेरिएंट। जी हाँ, ये भी HTK प्लस वेरिएंट ही है, लेकिन इसके अंदर जो इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, कोई भी टर्बो इंजन आपको इसके अंदर नहीं दिया जा रहा है। और इसके साथ आपको 5 स्पीड एक मैनुअल गियर ऑप्शन ऑफर किया जा रहा है। जी हाँ, 5 स्पीड मैनुअल आ रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई भी सनरूफ भी विजिबल नहीं होगा। देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी सनरूफ नहीं आता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ अगर आप जाते हो तो कोई भी सनरूफ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप टर्बो के साथ जाएंगे तो यहाँ पे सनरूफ मिलेगा। टर्बो के साथ अगर HTK प्लस के साथ भी जाएंगे तो भी आपको सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो गाड़ी है राइट साइड पे, इस गाड़ी का अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो दैट इज कॉस्ट अराउंड 9,90,000 एक शोरूम। यही HTK प्लस के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, क्योंकि इसके अंदर जो इंजन मिलता है ये 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड है, 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है, विदाउट सनरूफ है। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो किया सोनेट खरीदने की बात, तो आपके लिए ये वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे ये 5 स्पीड गियर ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉपर 6 स्पीड IMT चाहिए, तो आप ये वाला HTK प्लस वेरियंट चूज कर लीजिए। या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे एक मिड वेरियंट चाहिए जिसके अंदर हर एक फीचर होना चाहिए, हर एक मतलब मैक्सिमम फीचर आपके होना चाहिए, हर एक फीचर तो आपको एक्स लाइन के अंदर मिलेगा, वो वाला वेरियंट छोड़ के एक मिड वेरियंट प्रॉपर होना चाहिए, तो आप HTX वेरियंट भी चूज कर सकते हो। और इसका अगर आप 7 स्पीड DCT के साथ जाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस आपको और भी तगड़ी देखने को मिलेगा। चलिए, तीनों के अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करके देते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आप HTK प्लस वेरिएंट देखेंगे तो HTK प्लस वेरिएंट एक्सटीरियर से दोनों गाड़ी सिमिलर दिखेगा। अगर आप ये वाला 1 लीटर टर्बो इंजन भी लेते हो तो भी सिमिलर लुकिंग के साथ आएगा। सामने देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक DRL प्रोवाइड किया जा रहा है, ये DRL आपको बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन हेडलैम्प है कंप्लीट हैलोजन बेस्ड है, टर्न इंडिकेटर भी हैलोजन बेस्ड आएगा, लेकिन जो फॉग लैंप आएगा ये LED बेस्ड आएगा। बहुत ही प्रीमियम वाला फील आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सामने और देखेंगे तो आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर 4 मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस्टिंग नहीं हुआ है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट एडिशनल देखने को मिलता है। टाइगर नोज ग्रिल भी आपको यहाँ पे किया कि देखने को मिल जाएगा अगर ये वाला वेरिएंट भी लेते हो तो। ये था टर्बो पेट्रोल के साथ। अगर आप ये नॉर्मल 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ जाते हो और वो भी 5 स्पीड मैनुअल के साथ, तो भी आपको सिमिलर लुक सामने से आएगा। सामने से कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएंट सेम है दोनों की, HTK प्लस वेरिएंट है, तो यहां पे भी आपको सिमिलर चीजें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पे हेडलैम्प भी देखेंगे तो ये भी हैलोजन बेस्ड है, यहां पे टर्न इंडिकेटर ये भी हैलोजन बेस्ड है, बस फॉग लैंप आपको LEDs में प्रोवाइड किया जाएगा। सामने 4 पार्किंग सेंसर्स भी आ जाते हैं, तो इसके अंदर जो डिफरेंस आपको समझ में आएगा बाहर से, आपको यहां पे कोई भी सनरूफ एडिशनल देखने को नहीं मिलता है। जी हां, इस गाड़ी के साथ कोई भी सनरूफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे रूफ रेल्स भी देख सकते हो, सिल्वर एलिमेंट एडिशनल आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप HTK के साथ, HTK प्लस के साथ अगर आप ये वाला वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडिशनल सनरूफ मिल जाएगा, क्योंकि ये 6 स्पीड IMT के साथ आता है, और वो भी IMT आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक 1 लीटर टर्बो के साथ ही मिलता है, नॉन टर्बो के साथ आपको IMT का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी सनरूफ विदाउट सनरूफ आएगा। तो अगर आप HTK प्लस वेरिएंट की टर्बो इंजन के साथ जाएंगे और ये भी 6 स्पीड IMT के साथ जाएंगे, तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगा 10,49,000 एक शोरूम। अगर जैसे ये वाला वेरिएंट के साथ जाएंगे तो 9,90,000 पड़ेगा, तो यहाँ पे 60,000 चीपर मिलेगा एज कम्पेयर टू 6 स्पीड IMT। तो 6 स्पीड IMT नहीं लेंगे तो आपको वहां पे सनरूफ भी आपको मिसिंग मिलेगा इस वेरिएंट के साथ। तो सनरूफ की कॉस्ट आप जानते हो अच्छा खासा हो, विदाउट सनरूफ वाला वेरिएंट है, और साथ ही साथ यहाँ पे 5 स्पीड मैनुअल गियर ऑप्शन आता है, और वो भी आपको यहाँ पे नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे टर्बो नहीं आता है। ये था दोनों ट्रांसमिशन के अंदर डिफरेंस और प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप जैसे HTX के साथ जाएंगे, 2-3 दिन पहले हमने और एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे हमने HTX वेरिएंट दिखाया था, लेकिन वो एक ऑलिव कलर के साथ था और उसके अंदर आपको 6 फीट IMT था। लेकिन हमारे पास ये जो वेरिएंट है दैट इज द 7 स्पीड DCT के साथ आता है। 7 स्पीड DCT के साथ जाएंगे तो आपको 12,29,000 एक शोरूम पड़ेगा। अगर आप विदाउट 7 स्पीड DCT जाएंगे, 6 स्पीड IMT के साथ जाएंगे, तो वो गाड़ी आपको 11,49,000 पड़ेगा। तो 80,000 आपको महंगा पड़ेगा अगर आप 7 स्पीड DCT के साथ आना चाहते हो। ओके, तो अभी तीनों गाड़ी की इंटीरियर आपको चेक करवाएंगे, क्योंकि इंटीरियर के अंदर ह्यूज एक चेंजेस आपको देखने को मिलेगा।
दोनों HT के प्लस वेरिएंट है, तो दोनों के इंटीरियर आपको सिमिलर मिलेगा, बस ट्रांसमिशन के अंदर फर्क मिलेगा और एक सनरूफ मिसिंग मिलेगा। बाकी ये पीछे जो व्हाइट कलर की गाड़ी देख रहे हो, ये HTX वेरिएंट, इसके इंटीरियर आपको काफी अलग मिलेगा। तो पहले हम लोअर वेरिएंट से शुरू करेंगे, मतलब लोअर वेरिएंट मतलब HT के प्लस के अंदर जो सबसे बेस वेरिएंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1.2 लीटर एक 5 सीट मैनुअल के साथ जो गाड़ी आ रही है, इसके इंटीरियर दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की लेंथ बता देते हैं, 4 मीटर से बस थोड़ी सी छोटी, मतलब 4 मीटर से ये 2-3 mm ही छोटी मिलेगा, मैक्सिमम 5 mm छोटी है गाड़ी। लेकिन यहाँ पे HT के प्लस के साथ आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है ड्राइवर साइड पे, जो अच्छी बात है। आपको HT के प्लस के साथ ये चीज एडिशनल मिलता है, डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएगा, और ये जो वेरिएंट था ना, ये वेरिएंट के साथ आपको कोई भी लेदर सीट नहीं आता है। आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि ये HT के प्लस के साथ एक पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे गियर ऑप्शन देखेंगे तो देख लीजिए, 5-speed गियर ऑप्शन के साथ आएगा, वो कंप्लीटली मैनुअल आएगा, कोई भी IMT की फंक्शन नहीं है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा नीचे दिखाने के लिए, यहाँ पे क्लच पैडल भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, प्रॉपर क्लच पैडल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है ये वाला वेरिएंट के साथ, जो अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, ये जो मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल प्रॉपर जो मैनुअल आते हैं, इस मैनुअल के साथ सनरूफ आता है या फिर नहीं? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं एक बात, अगर आप 5-speed मैनुअल के साथ जाते हो तो आपको कोई भी सनरूफ नहीं मिलता। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, कोई भी सनरूफ नहीं आता है। जी हाँ, यहाँ पे ये चीज आपको मिसिंग मिलेगा। और इसके साथ बाकी और एक चीज आपको अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया जा रहा है, प्रॉपरली मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की बटन मिलता है। और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये सॉफ्ट टच मटेरियल लेदर नहीं है। जी हाँ, प्रॉपर लेदर नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ कंट्रोल यूनिट ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे भी कंट्रोल यूनिट ऑफर किया जा रहा है, बट यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिसिंग है। अगर आप ये वाला गाड़ी लेते हो HT के प्लस, तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिसिंग प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हुआ है। और स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट देखेंगे तो आपको यहाँ पे टिल्ट आते हैं, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। और इसी के साथ साथ इंफोटेनमेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी एक बार आप चेक कर लीजिए। मैं जैसे इसको ऑन करूँ ना, तो यहाँ पे जो इंफोटेनमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, काफी ह्यूज एक इंफोटेनमेंट आप बोल सकते हो प्राइस पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 inch का इंफोटेनमेंट प्रॉपरली प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसकी जो टच रिस्पॉन्स है, इस टच रिस्पॉन्स के अंदर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, जितना प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया बोल सकते हो। मतलब 10.25 inch के अंदर जितना दिया जाता है, उससे थोड़ा सा लैगिंग मुझे फील हुआ है। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हैजार्ड की डेडिकेटेड बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आ जाते हैं। जी हाँ भैया, आपको यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक यूनिट आएगा, कोई भी लेदर का यूज नहीं किया गया है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेमी डिजिटल MID प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, सेमी डिजिटल आएगा, पूरा डिजिटल नहीं आता है ये वाला वेरिएंट के साथ। सीट की क्वालिटी की बात करूं तो सीट की क्वालिटी तो काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको लेदर नहीं मिलेगा, बस जो आर्मरेस्ट आता है उस आर्मरेस्ट के साथ लेदर मिलता है। बाकी कोई भी जगह पे आपको इस गाड़ी के साथ लेदर नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे और एक चीज जो अच्छा मिलेगा आपको, यहाँ पे जो पावर विंडोज प्रोवाइड किया जा रहा है ना, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो काफी बढ़िया फंक्शन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्पीकर देख सकते हो, लेकिन ये बोस का स्पीकर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ये सारी चीजें मिसिंग है। और इसकी जो इंजन है वो भी मैं एक बार आपको चेक करवा देता हूँ। चलिए, ओके, तो जैसे इसके इंजन के बारे में बात किया जाए, तो इसके अंदर मैंने पहले आपको बता दिया 1.2 लीटर के एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, 4 सिलेंडर वाला इंजन आएगा। वो इंजन एक बार आप देख लीजिए कैसे फिट किया गया है इसके अंदर। तो इसके लीड की बात किया जाए तो लीड हैवी है, लेकिन कोई भी इंसुलेशन प्रॉपरली यूज नहीं किया गया है। इसके अंदर एक 1.2 लीटर की नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये इंजन भी काफी अच्छा खासा पावरफुल है। इसकी जो प्लेसमेंट है ना, इसके अंदर फिट एंड फिनिशिंग लेकर कोई भी इशू नहीं है। किया की जो गाड़ी होते हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, काफी प्रीमियम वाला और एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी किया की गाड़ी के अंदर जनरली यूज किया जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर आपको कोई भी कमियां वगैरह फील नहीं होगा। तो इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी HT के प्लस वेरिएंट है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। जी हाँ, जरूर मिलेगा, मैं चेक कर देता हूँ, आ जाइए। अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर पे बैठेंगे तो वही वाला फील आएगा जो आपको पहले गाड़ी दिखाया था मैंने, तो सिमिलर आता है। यहाँ पे बस हाइट एडजस्टमेंट ऑफर किया जा रहा है, उस गाड़ी के साथ भी हाइट एडजस्टमेंट था। बाकी यहाँ पे स्टीयरिंग देखेंगे वही वाला फील आएगा, कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं है। क्रूज कंट्रोल यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। जो चीज आपको डिफरेंट मिलेगा मैं चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए भैया, यहाँ पे एक 6-speed IMT का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, प्रॉपर 6-speed IMT आ जाते। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी क्लच पैडल नहीं है, क्लच पैडल मिसिंग है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक 6-speed IMT आ जाते। इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी एक बार आप चेक कर लीजिए। अंदर की तरफ जो इंफोटेनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये भी सिमिलर आते हैं। 8 inch का इंफोटेनमेंट आता है। यहाँ पे फिजिकल बटन भी काफी सारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है, विथ आपको हैजार्ड के लिए डेडिकेटेड बटन भी। एसी की जो वेंस वगैरह है उसकी कंट्रोल यूनिट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और वो भी कुछ इस तरह डिजाइन के साथ आते हैं। यहाँ पे भी प्लास्टिक आएगा, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आपको गाड़ी के अंदर बैठने के बाद फील होगा, वो आपको यहाँ पे एक सनरूफ ऑफर किया जा रहा है। सनरूफ की जो कंट्रोल यूनिट है कुछ आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, सिंगल पैनल सनरूफ है और वन टच में कुछ इस तरह ओपन भी होते हैं, काफी अच्छा टेक्नोलॉजी। इस सनरूफ की वजह से आपको इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से लाइट एंड एयर आ जाएगा, और देख लीजिए काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल भी होने वाला है, काफी बढ़िया बात है। MID भी सिमिलर आता है, मैंने अलग से नहीं दिखाया, क्योंकि दोनों गाड़ी के अंदर सिमिलर चीजें आते हैं, बस ट्रांसमिशन के अंदर डिफरेंस था। और ये ट्रांसमिशन के अंदर डिफरेंस होने की वजह से वो जो गाड़ी था वो 9,90,000 था, ये वाला गाड़ी 10,49,000 आपको पड़ने वाला है। तो 60,000 के आसपास ये महंगा होगा अगर आप ये IMT वाला वेरिएंट चूज करते हो विद सनरूफ। आप याद रखिएगा, आप ये वाला वेरिएंट लेते हो तो आपको यहाँ पे एक सनरूफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। टाटा नेक्सॉन का वीडियो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, तो टाटा नेक्सॉन की वीडियो
के अंदर मैंने बताया था एक सनरूफ की कीमत वहां पे 50,000 आ रहा था, लेकिन इस गाड़ी के साथ अगर आप 60,000 स्पेंड करेंगे तो आपको सनरूफ भी मिलेगा, एक आपको यहाँ पे 6-speed IMT का ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एक बेनिफिट होने वाला है आपके लिए। मैं कहूंगा अगर आप HTK प्लस वेरिएंट लेते हो तो 6-speed IMT के साथ ही जाइए रेदर देन 5-speed मैनुअल। अगर आप ये 6-speed IMT की इंजन देखेंगे तो यहाँ पे 1 liter की एक टर्बो इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको कंपनी TGDI टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। और ये इंजन अगर आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह लेआउट है इसका, मतलब इसके अंदर भी कोई भी इंसुलेशन नहीं है, टर्बो लेंगे तो भी इंसुलेशन नहीं मिलेगा। नीचे देखेंगे तो यहाँ पे टर्बो GDI टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो काफी अच्छा टेक्नोलॉजी है। और इसके साथ साथ इसकी जो प्लेसमेंट, इसकी जो फिट एंड फिनिशिंग है, ये भी आपको काफी कमाल की देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टर्बो इंजन के अंदर से आपको पावर एंड टॉर्क ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू वो 1.2 लीटर की नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। तो इंजन भी काफी दमदार आपको मिलेगा पेट्रोल इंजन के साथ। टर्बो इंजन से आपको 172 न्यूटन मीटर की टॉर्क एंड साथ ही साथ 118 BHP का पावर मिलेगा। तो ये पावर एंड टॉर्क फिगर भी आपको टर्बो पेट्रोल से ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू नेचुरल 1.2 लीटर की इंजन। तो यहाँ पे आ जाते हैं 7-speed DCT के साथ गाड़ी है, और हमारे पास ये जो वेरिएंट हमें मिला है HTX वेरिएंट। अगर आप HTK प्लस से एक वेरिएंट अपर जाएंगे तो यही वाला वेरिएंट आपको मिलेगा, लेकिन ये हमारे पास 7-speed DCT है। इसके साथ आपको 6-speed IMT का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे 5-speed कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं मिलता है। जी हाँ, इस गाड़ी के साथ आपको कोई भी 5-speed मैनुअल का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको लोअर वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। अपर वेरिएंट पे आएंगे तो आपको एक 6-speed IMT आएगा और इसके साथ साथ 7-speed DCT आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सनरूफ भी मिलेगा, कंपलसरी सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन आता है ट्रांसमिशन के साथ कंपलसरी आपको ये चीज प्रोवाइड किया जाएगा। सामने देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल पॉड में आपको LEDs भी प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको HTK प्लस के साथ नहीं मिलता है। बाकी और कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, इंटीरियर दिखा देता जाइए। ओके, HTK प्लस वेरिएंट के इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियमनेस आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जी हाँ भैया, आप यहाँ पे देख लीजिए ये वाला वेरिएंट चूज करेंगे तो इसके अंदर प्रीमियमनेस आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। और ये जो प्रीमियम चीज है ना भैया, किसी और लोअर वेरिएंट पे नहीं मिलता है। और इसके अंदर एक चीज आपको खास मिलेगा, इस गाड़ी के साथ आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे आ जाइए, आप देख लीजिए दोनों तरफ ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ ही वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रहा है ये वाला वेरिएंट के साथ, जो काफी अच्छी बात है। देख लीजिए को ड्राइवर साइड पे 3 स्टेप के साथ आते हैं, ड्राइवर साइड भी 3 स्टेप के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 7-speed DCT है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे ट्रांसमिशन देखेंगे तो कुछ इस तरह डिजाइन के साथ आएगा, प्रॉपर 7-speed DCT आएगा और ये काफी अच्छी खासी तरीके से फंक्शन भी करने वाला है। आप अगर स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग व्हील आता है ना, इसके अंदर प्रॉपर एक लेदर रैपिंग आएगा, जो आपको HTK प्लस के साथ नहीं दिया जाता था। सॉफ्ट टच था लेकिन प्रॉपर लेदर रैपिंग नहीं था, यहाँ पे लेदर रैपिंग मिल जाता है। और यहाँ पे एडिशनल आपको क्रूज कंट्रोल का यूनिट मिलता है, जो HTX वेरिएंट से ही स्टार्ट होते हैं, उसके नीचे के वेरिएंट पे नहीं दिया जाता है। इंफोटेनमेंट देखेंगे तो वही वाला आएगा, 8 inch का आएगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम सिमिलर आता है, कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। जी हाँ, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो पैनल है ये भी सिमिलर आता है, इसके अंदर कोई भी और डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड भी सिमिलर आते हैं, बस यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आपको एडिशनल मिल जाता है। नीचे देखेंगे तो USB के कनेक्शन भी काफी अच्छा खासा प्रोवाइड किया जा रहा है। और सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो MID आता है, MID भी सिमिलर आता है। MID के अंदर भी कोई भी डिफरेंस आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी के अंदर जो चेंजेस था, इसके अंदर ये ट्रांसमिशन के अंदर चेंजेस था और क्रूज कंट्रोल एडिशनल मिलता है इसके इंटीरियर पे। और जो इंटीरियर पे आपको चेंजेस मिलेगा, आपको यहाँ पे सीट की लेआउट काफी प्यारा दिखेगा, ब्राउन कलर के साथ ब्लैक की कॉम्बिनेशन और प्रॉपर लेदर आते हैं विद वेंटिलेटेड सीट। सामने की तरफ दोनों सीट आपको वेंटिलेशन ऑप्शन के साथ आते हैं, हाइट एडजस्टमेंट भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, वो भी ब्राउन कलर के साथ, ऑटो फोल्डेबल वर्बीम ऑफर किया जा रहा है। नीचे स्पीकर सिमिलर आते हैं, यहाँ पे और कोई चेंजेस आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप ये वाला वेरियंट लेते हो तो इसके अंदर इंटीरियर थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम मिलेगा एज कम्पेयर टू HTK प्लस, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप ये DCT के साथ जाते हो तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी गाड़ी के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है HTX वेरिएंट से। इस वेरिएंट के साथ आपको कोई भी 1.2 लीटर की नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन नहीं आता है, बस आपको यहाँ पे 1 लीटर की टर्बो इंजन आएगा और एक डीजल इंजन का ऑप्शन आते हैं। तो हमारे पास टर्बो इंजन था और वो भी DCT के साथ, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको कोई भी इंसुलेशन यूज नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, डीजल इंजन के साथ भी ये लोग ना इंसुलेशन प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड कर रहे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो टर्बो TGDI टेक्नोलॉजी के साथ इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी यहाँ पे और जो मैकेनिकल चीजें काफी अच्छी तरीके से फिट किया गया, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह ऐसा नहीं है। दोनों गाड़ी के अंदर इंजन सिमिलर था, ये भी टर्बो इंजन था, ये भी टर्बो इंजन था, इंजन सिमिलर था, बस वेरिएंट अलग था। और यहाँ पे आपको एक IMT आता था, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर DCT प्रोवाइड किया जाता था। और ये जो गाड़ी था हमारे पास, ये एक पेट्रोल इंजन के साथ तो आता था, लेकिन 1.2 लीटर नेचुरल इंजन था, जो Hyundai के अंदर भी हमने देखा था ये वाला इंजन। और इसके साथ आपको एक 5-speed मैनुअल आता है, मैनुअल होने की वजह से आपको यहाँ पे कोई भी सनरूफ भी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी तीनों गाड़ी में से आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हो, जो वेरिएंट्स के अंदर डिफरेंस था, जो इसके ट्रांसमिशन में डिफरेंस था और जो इन गाड़ी के अंदर प्राइसिंग के अंदर डिफरेंस था, वो मैंने आपके क्लियर कर दिए। अगर आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।